इस धरती पर कई ऐसे महान लोगों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने जीवन से काफी बाद की चीजों और काफी बाद घटनाओं का जिक्र किया है। उनकी दूरदर्शी नजरों ने भविष्य में होने वाली घटनाओं को साफ साफ देख लिया था और उन्हीं शख्स में से एक शख्स थी बाबा बैंगा, जो पूरी दुनिया में अपनी आंखों से कभी नहीं देख पाई, लेकिन उन्होंने अपने मन की नजरों से पूरी दुनिया की घटनाओं को देख लिया। बाबा बैंगा का जन्म बुल्गारिया में सन 1911 में हुआ था। उन्होंने 86 साल की उम्र में 1996 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बाबा बैंगा ने बचपन में ही अपनी आंखों को खो दिया था। उन्होंने देश दुनिया को लेकर कई ऐसी भविष्यवाणियां की थी जो कि आगे चलकर सच साबित हुई। हालांकि कहा जाता है कि उनका वैदिक ज्योतिष से कोई संबंध नहीं था। बाबा बैंगा ने बचपन में ही अपनी दोनों आंखों को रोशनी खो दिया था। उन्होंने दुनिया के भविष्य को स्पष्ट रूप से देख लिया था। बाबा बैंगा ने मरने से पहले अपने अनुयायियों को भी 5079 तक की भविष्यवाणियां बताई। उन्होंने कई ऐसी भविष्यवाणियां बताई जो अब तक सच साबित हो चुकी हैं। बाबा बैंगा ने 2024 के लिए भी कई बातें कही थी, जिसमें से अगर कुछ बातों को देखा जाए तो अब तक सच साबित हुई हैं और उनसे पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा भी हो रही है। साल 2024 को लेकर बाबा बैंगा ने कई भविष्यवाणियां की। उन्होंने एक भविष्यवाणी आर्थिक संकट को लेकर की थी। बाबा बैंगा ने कहा था कि साल 2024 में देश दुनिया एक भयावह आर्थिक संकट से जूझ सकती है। विश्व में बढ़ रहे तनाव, युद्ध और पश्चिम से पूर्व की ओर सत्ता परिवर्तन की वजह से दुनिया को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि अभी चीन को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बात बाबा बैंगा ने 2024 को लेकर ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में कही थी। बाबा बैंगा ने कहा था कि साल 2024 में दुनिया के कुछ हिस्सों में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण लोगों को भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। इसकी वजह से दुनिया में विषम हालात की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बाबा बैंगा ने 2024 में साइबर हमले को लेकर भी आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि दुनिया में साइबर हमले की घटनाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। कई नामी कंपनियां हैकिंग का सामना वैसे भी कर चुकी हैं। वहीं देश की एजेंसियां भी हैकरों की निशाने पर चल रही हैं। साइबर हैकर्स पावर ग्रिड और जल उपचार संयंत्रों पर अटैक कर सकते हैं, ऐसा बाबा बैंगा ने बताया था। जैविक हथियार के टेस्ट को लेकर भी बाबा बैंगा ने भविष्यवाणी की थी। बाबा बैंगा ने कहा था कि 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा देश जैविक हथियारों का टेस्ट कर सकता है। अगर बाबा बैंगा की आवाज सच साबित हुई तो दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। अब बात करते हैं बाबा बैंगा की उन भविष्यवाणियों की जो अब तक सच साबित हो चुकी हैं। बाबा बैंगा ने डायना की मौत से लेकर 9/11 आतंकी हमले और बराक ओबामा तक के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने की बात कही थी। उन्होंने इसकी भविष्यवाणी की थी जो कि आगे चलकर सच साबित हुई है। उन्होंने भूकंप और सुनामी आने की भविष्यवाणी बता दी थी। उन्होंने इसकी भविष्यवाणी की थी जो सच साबित हुई। आप बता दें कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत के उत्तर पूर्वी इलाके और थाईलैंड में भी लोगों को बाढ़ के हालातों का सामना करना पड़ा था, जो कि बाबा बैंगा ने पहले ही बता दी थी। हालांकि आपको बता दें कि बाबा बैंगा की यह जानकारी धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है, इसका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। अखंड भारत आज तक न्यूज इस तरह किसी भविष्यवाणी की कोई भी सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत आज तक न्यूज। जय हिंद, जय भारत।